दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं पहली बार आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ, अपना एक कुछ राय ले गए, ब्लॉग्स ले गए। आज का इंस्पिरेशन मुझे बहुत सारे लोगों से मिला है, विनय दुबे जैसे लोग, त्रिपाठी जैसे लोग, अभिसार शर्मा जैसे लोग, परुष शर्मा जैसे लोग, इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी अपनी कोई बात कहूँ आपके सामने। तो दो चार चीज़ें हैं जिसके साथ बात करूँगा मैं। पहले तो आपका बर्निंग इशू है आजकल, जो विकास दुबे का, आज सुबह सुबह खबर आई कि उसके एक साथी प्रजापति, जिसको कि फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो नोएडा का इधर आप यूपी के आउटस्कर्ट्स में किसी शहर में वो एनकाउंटर हो गया, मारा गया। पुलिस ने कहा कि वो भाग रहा था, उसको गोली मार दी। जब वो पुलिस के कब्जे में था 24 घंटे से, इतनी पुलिस उसको लेके जा रही थी, भागने का क्या सवाल है? तो एक बहुत सारा बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। उसके बाद खबर आया कि विकास दुबे गिरफ्तार हो गया उज्जैन से। नवाब, ये सोचने वाली बात है कि 8 पुलिस वालों को मारने के बाद कानपुर से वो भाग जाता है नोएडा, दिल्ली, दिल्ली से वो जाता है हरियाणा, हरियाणा फरीदाबाद में दबिश होती है, वहाँ दोस्त के साथी मारे जाते हैं, वो वहां से फिर फरार हो जाता है। फिर अचानक दूसरे दिन 6 दिन बाद पता लगता है कि उसको उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो मंदिर में दर्शन करने जा रहा था वहां से। अब प्रश्न ये उठता है कि मारने के बाद वो सारे उन शहर उन स्टेट्स में गया या उन राज्यों में गया जहाँ बीजेपी शासित सरकार है, शक पता करता है वो क्यों ऐसे, क्यों बीजेपी शासित राज्यों में ही गया और कानपुर से हरियाणा और हरियाणा से मध्य प्रदेश, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद वो ऐसे कैसे पहुंच सकता है, ये प्रश्न खड़ा करता है। ये शो करता है कि पुलिस नेता सब मिले हुए हैं, सब मिली भगत है, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या शाम तक या कल सुबह तक खबर आ जाए कि विकास दुबे का भी एनकाउंटर हो गया, वो भाग रहा था तो उसको पुलिस ने गोली मार दी। या ये भी हो सकता है कि उसको जेल में बंद कर दें, जेल में बैठा रहे आराम से, जेल से अपना साम्राज्य चलाता रहे। अभी रिमांड हो रही है कि जो भी कॉल्स हैं उसको पब्लिक कर दिया जाए, कॉल डिटेल्स को, वो ये बहुत बढ़िया चीज़ से पता लग जाएगा किस किस से मिलता था और क्या कौन कौन लोग उसके साथी थे, कौन उसकी मदद कर रहे थे। और ये बहुत बड़ा लेसन है उनके लिए। मैं मानता हूँ कि भक्त होना चाहिए, किसी का भी आप भक्त हो अच्छी बात है भक्त होना, बट अंधभक्त हो जाना है वो बहुत बड़ी बुरी बात है, और उसका एग्जाम्पल विकास दुबे है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, उनके लिए वो काम करता रहा, लेकिन अब वो पुलिस वालों को मारने के बाद उनके लिए बेकार हो गया। अब हो सकता है कि उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी घर का उसको तोड़ चुके हैं, उसकी कार को तोड़ चुके हैं, उसके साथियों का एनकाउंटर हो रहा है, मार रहे हैं उनको। थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद सारी चीजें मिट जाएंगी, सारे सबूत मिट जाएंगे, तो बचेगा क्या? जो उसके बड़े ऑफिसर है जिनके हाथ है उसके ऊपर, नेताओं का, वो सब खत्म हो जाता है मरने के बाद, सब चीज खत्म हो जाती, सब दबा रह जाता। मैं मानता हूँ कि इसके लिए CBI जांच या बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी जांच कराई जाए, और निष्पक्ष जांच हो जिससे पता लगे दूध का दूध पानी का पानी, जाएंगे कौन लोग शामिल थे सब चीजों में उसके साथ। ना एक और खबर थी कि जगदीप जी इस दुनिया में नहीं रहे, रेस्ट उसकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, लिविंग लेजेंड थे। मुझे लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कोई श्राप आ गया ऊपर वाले का, हर महीने हर दूसरे दिन पता लग रहा है कि कोई ना कोई मारा जा रहा है, मर्डर हो रहा है, सुसाइड कर रहा है या हार्ट अटैक से मारा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, सारे लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं एक एक करके, हर महीने कोई ना कोई दुनिया से चला जा रहा है एंटरटेनमेंट, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो। दूसरी चीज चाइना। नाउ 2 दिन पहले खबर आई अचानक कि वो डोभाल साहब ने बात करी, NSA चीफ ने बात करी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से, और चाइना की सेना बार हट पीछे हटने लगी। ना मेरा एक सवाल है जो मेरे दिल में कौंध रहा था, मैंने सोचा आपसे कहूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। पहली चीज, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ना हमारे देश पे कब्जा हुआ है, ना होगा, ना उन्हें देंगे, 1 इंच नहीं हुआ, सब सही है, हम उनकी बात मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। बट उसके बाद पीछे हट गया था, पीछे कहाँ से हटे?
वो आए ही नहीं थे प्रधानमंत्री के मुताबिक आ गए, या उन्होंने कब्जा ही नहीं किया था, तो पीछे कहाँ हटे वो, किस पे से हटे? अपनी जमीन पे से हट गए पीछे, जब किसकी जमीन पे हट गए, क्या इसके पीछे क्या है? सच्चाई सामने आना चाहिए ना, सच्चाई या तो कब्जा नहीं किया था, कब्जा किया था तो पीछे हटे, नहीं तो पीछे हटने का सवाल। दूसरी चीज जो सवाल पूछा नहीं जा रहा और जो मेरे दिल में कौंध रहा है कि डोभाल साहब आते हैं और बात करते हैं और एक ही दिन में चीन सेना वापिस बात पीछे चले जाती है, तो भाई प्रधानमंत्री ने बात क्यों नहीं की? और प्रधानमंत्री ने बात की तो इसके मतलब प्रधानमंत्री की वो सुनते नहीं, कोई उनकी वैल्यू नहीं है प्रधानमंत्री की, डोभाल साहब की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि सुन के चाइना हट गई और प्रधानमंत्री की बात सुन के चाइना नहीं हट रहा था पीछे। इस सवाल का जवाब भी हो रही, क्यों नहीं? इसके मतलब मोदी जी की वैल्यू नहीं है चाइना की नजर में या किसी की नजर में, क्योंकि बात सुनता नहीं कोई, क्या उन्होंने बात ही नहीं की? उसके पीछे क्या राज है ये भी पता नहीं, डोभाल साहब कहने से हट गए, मोदी जी ने बात नहीं करी या मोदी ने बात करी उनके कहने पर नहीं हटे, तो कमाल की बात है। क्योंकि मतलब मोदी जी की चलती नहीं है, डोभाल साहब ज्यादा पावरफुल है जिनके बात सुन के चाइना पीछे हट गया, लेकिन सवाल ये पीछे हटा कहाँ से, जब जब कब्जा ही नहीं किया तो हटा कहाँ से? हटेगा तो जब ने जब कब्जा किया होगा, तो उसके बाद या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या और कोई झूठ बोल रहा है, वो भी एक था। तीसरी चीज कपिल खान, कल मैं देख रहा था विनय दुबे अनुपम त्रिपाठी काजल निषाद इन सब लोगों ने डिमांड की है कि हम कोशिश करेंगे कपिल खान को छुड़ाने की, विनय दुबे ने तो 1 करोड़ का इनाम भी रखा है जो वकील छुड़वाएगा उसे। ना मेरा सवाल यह है कि कपिल खान जैसा डॉक्टर जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा था, उसका कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिस पर गिरफ्तार कर लिया जाए, उससे ज्यादा जुर्म तो मुझे लग रहा है मिस्टर संबित पात्रा का है। एक डॉक्टर होते हुए कहीं नजर नहीं आया, किसी की भी हेल्प करते, कहीं भी चाहे गोरखपुर हो चाहे बिहार हो चाहे कोई भी और भी जगह हो, कहीं मुझे नहीं दिखा कि वो काम कर रहे हैं या इलाज कर रहे हैं किसी का, सिर्फ डिबेट करना, दूसरों को गालियां बकना, उल्टी अपशब्द कहना, वही काम करते हैं, झूठ लिखना ट्विटर पे सोशल मीडिया पे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो सच्चा इंसान है जो लोग मदद कर रहा है जो अब काम आता है COVID-19 में, वो जेल में बंद है जनवरी से, उसको जमानत भी नहीं हो रही है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक आदमी जो दूसरों की सेवा कर सकता था, मदद कर सकता था, काम आ सकता था, वो तो जेल में बंद है, और जो सारा कोई काम नहीं करता, जो कुछ भी काम नहीं कर रहा उसको खुला छूट छूट दे रखी। दूसरी संबित पात्रा को करोना हुआ है कथा कथित, मैं नहीं मानता उनको हुआ, उसे जेल से बचने के लिए या छत्तीसगढ़ की पुलिस से बचने के लिए उन्होंने नाटक करा, और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए लेकिन उनकी रिपोर्ट कहीं नहीं आई, पॉजिटिव थे कि नेगेटिव थे कि क्या थे। औरों की रिपोर्ट आई, केजरीवाल की रिपोर्ट आई, सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली की उनकी रिपोर्ट आई, ज्योति राजेश सिंधिया की आई, उनकी माँ की आई, सबकी रिपोर्ट आई नेगेटिव है पॉजिटिव है, पर संबित पात्रा की रिपोर्ट नहीं आई, इसके पीछे क्या राज है? और कुछ 14 दिन शायद हॉस्पिटल में रहे भी नहीं, 14 दिन बाद ही 14 दिन से पहले ही वो आके टीवी डिबेट पर पार्टिसिपेट करने लगे। ऐसा कौन सा कोरोना वादा कि जो 1 हफ्ते में खत्म हो गया, और रिपोर्ट भी नहीं है कि था कि नहीं था, रिपोर्ट चार्ज नहीं करे कि था कि नहीं था, कि झूठ बोल गए जो जेल से बचने के लिए जमा हुए हॉस्पिटल में। एक और चीज मेरी आप लोगों से, जो भी है जो अंधभक्त नहीं है, जो भक्त हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज प्लीज औरतों के बारे में, जो भी कोई औरत हो, चाहे वो पायल रोहतगी हो, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कोई भी हो, उसके बारे में आप शब्द इस्तेमाल ना करें। फिर मैं कल देख रहा था जिनका ट्विटर बैन हुआ, नीचे लोग कहानियां लिख रहे थे, वो अच्छी बात नहीं है। अब आप भी अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे समझदार लोग भी गालियां लिखने लग जाएंगे, तो आप में और उन भक्तों में क्या फर्क रहेगा जो आपको गालियां बकते हैं या मुझे गालियां बकेंगे, उसमें आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा? तो प्लीज औरतों का सम्मान करें, कोई भी हो, गाली ना लिखें, आप कुछ भी लिखें, नेगेटिव कमेंट लिखें, कुछ भी लिखें, उनके बारे में लिखें, उनकी बुराई करें, बट गाली ना लिखें, शोभा अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता है। सब इंसान भक्त लोग गाली बकते रहते हैं, सुने उनकी गालियों को, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक कर दे, सोशल मीडिया पे गाली बकते ब्लॉक कर दे,
रक्षा तो ना कहे आप ना कहें, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा, उसका विशेष ध्यान रखिए। आपसे गुजारिश है, उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें थी जो करनी थी। सीबीएसई ने 30% कोर्स कम किया 10th, 9th से लेकर 12th तक का, जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने चैप्टर डिलीट कर दिए, उसके बारे में आगे कभी बात करेंगे 10th में। और एक और चीज है जब चेंज किया है उन्होंने बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट में जो चेंजेस किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे बाद में। चुपचाप से इन पैंडेमिक टाइम में उन्होंने उसमें चेंज कर दिया, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे कभी उस वीडियो में। यहाँ बात नहीं कर सकते, वो उसमें लंबा चौड़े बात करनी पड़ेगी, डिस्कशन होगा, लंबी चौड़ी चीजें होंगी साथ में उसके। कपिल खान जैसे नहीं जुड़ते, देवेंद्र सिंह जैसे देशद्रोही, उनको प्रूव हो गया है कि वो आतंकवादी थे, आतंकवादी की मदद कर रहे थे, पुलवामा में अटैक में उनका हाथ था, पाकिस्तान एम्बेसी के लिए काम कर रहे थे, आईसीए के लिए काम कर रहे, उनको तो जमानत मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर कपिल खान जैसे ह्यूमैनिटी वाले आदमी को जो ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहे थे, उनको जमानत नहीं मिली। ये सोचने वाली बात है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम आवाज नहीं उठा पा रहे, हम चुप जाते हैं डर के मारे। प्लीज आवाज उठाइए, विनय दुबे की मदद करिए। तो मैं देख रहा था नीचे उनके कमेंट्स में, नीचे लोगों के 20-25 हजार 30 हजार तो उसी टाइम आ गए नहीं कहने पे, लोगों ने कहा हम देंगे हम देंगे। बहुत अच्छी बात है, लोग आज भी जिंदा हैं, आज भी लोगों में ह्यूमैनिटी है, आज भी लोगों में दया है के भाव है लोगों में आज भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी आदमी बुरा नहीं होता। और दूसरा जैसे रवि शर्मार कहते हैं टीवी न्यूज देखना बंद करते, वो सही कहते हैं टीवी न्यूज देखना बंद कर, क्योंकि पक्षी जैसे लोग माँ बहन की गालियां बकने लग जाएंगे जब टीवी पे आके, संबित पात्रा जैसे उल्टी सीधी बातें करने जाएंगे, हर कुछ देश बुरे बनाने लग जाएंगे, पाकिस्तान और चाइना भेजने लग जाएंगे, चाइना का एजेंट बताने लग जाएंगे, ऐसी रिपोर्टों को सुनने से फायदा क्या। दूसरी एक और चीज थी जो बहुत अजीब लगी कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड करी उसने, वो इतना हो हल्ला मचा हुआ है आज तक टीवी पे, सर कोई कुछ ना कुछ उनके बारे में कह जा रहा है कि ये हो जाना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी हो, ये हो वो हो। अरे भाई, एक आदमी ने सुसाइड कर ली, क्लियर किया सुसाइड करी, कोई नोट नहीं भेजे गए, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही होगी पीछे, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, सब चीज सामने आ जाएगी। अब उसके लिए दूसरे लोगों को बिना सबूत के, बिना उसके दूसरे लोगों के बारे में बुरा भला कहना कि नेपोटिज्म है, ये है वो है। अरे भाई, पिक्चर में काम तो कर ही रहता ना, ऐसा तो नहीं था कि काम नहीं मिल रहा था, बंद था उसका काम, काम आ रहा था, अच्छी पिक्चरें आ रही थी, कर रहा था, आने वाले प्रोजेक्ट थे उसके पास करने के लिए। क्या वजह रही क्या रही वो तो इनका नहीं पता लगेगा, क्योंकि सुसाइड नोट छोड़ते, लेकिन पूरा मीडिया मीडिया में जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल है यूट्यूब के, सब सुशांत सिंह। अरे भैया, बहुत हो गई अब, वो है बहुत से लोगों ने सुसाइड करी, बहुत से लोगों का मर्डर भी हुआ, उनके बारे में तहल्ला मचे नहीं मचा, इसके बारे में हल्ला तक क्यों, फिर ये समझ में नहीं आता। तो ध्यान दें ऐसी फालतू चीजों में ना अटके। अब मुझे लगता है कोई ना कोई नया कांड होने वाला है जल्दी, जिससे कि लोगों का ध्यान इस विकास से भी हट जाए, चाइना से भी हट जाए। और चाइना तो हट ही गया था विकास के चक्कर में, चाइना से हट गया, सारे न्यूज चैनल विकास पे लग गए, चाइना भूल गए, चाइना आया तो कोविड भूल गए, उसके फेलियर, उसके घोटाले, उसके सब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये वो फंड सब भूल गए लोग। उसी बीच में देवेंद्र को जमानत मिल गई, उसी बीच में पोस्टल बैलेट में चेंजेस हो गए सिस्टम में, आने वाले दिनों में कोई और कांड होगा इसमें विकास को ही भूल जाएंगे और सब लोग उसमें लग जाएंगे, क्योंकि लोगों की शॉर्ट मेमोरी है, उसी का फायदा उठाते हैं, उन्होंने सोच लिया जितना झूठ बोलो ऐसा इतना झूठ बोलो जो सच लगने लग जाए लोगों को। वही बात है कि लोगों को सच लगने लग जाता है, सही बात इतना कह रहे हैं तो सही बात, क्योंकि हमारी लोग मेमोरी शॉर्ट है, थोड़ी देर बाद भूल जाते उन चीज़ों को। अब थोड़े दिन बाद हम 8-10 पुलिस वालों की शहादत भी भूल जाएंगे, उधर 20 सैनिकों की चाइना बॉर्डर पर हम शहादत भूल जाएंगे,
और हम दूसरी किसी चीज में लग जाएंगे, उसी का ही फायदा उठाते हैं लोग कि लोगों की तो शॉर्ट मेमोरी है, कोई भी कांड करा तो थोड़े दिन बाद लोग पुराना भूल जाएंगे, नए में लग जाएंगे, फिर आप अपने पीछे से अपना काम कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान दें, समझें, सोचे समझे तो बोले। अब भक्तों के लिए तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देख ले विकास जब तक उसका मतलब निकला था, काम कराया, जैसे ही देखा कि पुलिस वालों ने मार दिया, बदनामी लगी, तो अब उसके पिछवाड़ा इलाज मार रहे हैं, उसको मारने उसके साथियों को एनकाउंटर कर दिया, थोड़े दिन बाद उसका भी एनकाउंटर हो जाता, मामला खत्म, पैसा अजब। ये सब कहना था, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे मिलेंगे CBSE के जो चैप्टर डिलीट करें, नेशनलिज्म पे जो नेशनलिज्म की बात करते हैं वही नेशनलिज्म को डिलीट कर दे रहे हैं, जो राइट्स की बात करते हैं सबका साथ सबका विकास वही डेमोक्रेटिक राइट का चैप्टर गायब कर देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इस पर आगे बात करेंगे कभी टाइम मिला तो। स्वस्थ रहे, आबाद रहे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।